तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में पूजा जी के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे रेंज। रेंज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने वीवीएम प्रोग्रामिंग में लास्ट क्लासेस में हमने सीड्स के ऊपर डिस्कस किया था। जैसे कि हमने बताया था आपको कि वीवीए के अंदर में, एक्सेल के अंदर में मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला हमारा एप्लीकेशन, दूसरा हमारा है वर्क बुक बुक्स, और तीसरा है हमारा शीट्स, और चौथा है हमारा रेंज, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, मान लीजिए हम एक्सेल पे डेटा कॉपी किए, पेस्ट किए, पिवट लगाए, फिल्टर लगाए, कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ें हमारी रेंज पे ही होगी, क्योंकि बगैर रेंज हम कुछ नहीं कर सकते। सो रेंज इज द इम्पोर्टेंट। तो रेंज हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम रेंज को पढ़ेंगे तसल्ली से और सीखते हैं। क्योंकि अगर रेंज पे आपने कमांड नहीं किया तो फिर वीवीए में थोड़ा सा आगे मुश्किल होगी, जब आप ऑटोमेटिक कुछ डेटा को फाइंड करेंगे या डेटा को सिलेक्ट करेंगे उसमें। तो चलिए हम वन बाय वन सीखते। सबसे पहले रेंज की कॉलिंग मेथड सीखेंगे, जैसे कि हमने शीट्स का सीखा था। मान लीजिए मुझे किसी सेल पे कर्सर रखना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। आपने लिखा A1 डॉट सेलेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। अब सेलेक्ट या एक्टिवेट कुछ भी दे सकते हो। सेलेक्ट एक से ज़्यादा पे यूज होता है, और एक्टिवेट सिर्फ एक पे यूज होता है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट और एक्टिवेट डिसाइड कर सकते हैं। सेलेक्ट एक्टिवेट मतलब कि किसी कर्सर पे आप किसी भी सेल पे क्लिक करना चाहते हैं, लेकिन जब आपने लिख दिया रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, तो वो जो हमारा एक्टिव सेल है, जो हमारा एक्टिव सीट है उसके A1 पे जाके कर्सर रख देगा इस तरह से। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास सीट 2 है, मैं सीट 2 के A1 पे कर्सर रखना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले कोड देना पड़ेगा यहाँ पे कि सेल्स या रेंज अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। सेल्स A1 डॉट सेलेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसके ऊपर एक कोड देना पड़ेगा आपको सीट्स, और सीट्स के नाम की सीट 2। अब सीट 2 होगा या सीट का जो भी मेथड होगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से चूज करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है पूजा जी, हेलो पूजा जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी सुजीत जी, बिल्कुल ठीक हो। तो ये आपकी एक्टिव फाइल के C2 पे जाएगा और उसकी A1 पे कर्सर रखेगा। देखिए आपके पास एक्टिव फाइल नहीं, आपके पास Book 2 है, तो आपको Book 2 के A1 पे जाके कर्सर रखना है। तो इसके ऊपर आपको Book 2 का कोड डालना पड़ेगा, वर्क बुक्स, और यहाँ पे book2.xlsx या जो भी आपकी एक्सटेंशन है वो डॉट एक्टिवेट। यहाँ सेलेक्ट नहीं चलता, यहाँ एक्टिवेट ही करना पड़ेगा। तो वर्क बुक को एक्टिवेट करेगा, फिर C2 पे जाएगा और यहाँ पे ओपन रखेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आपका book2 ओपन होना चाहिए। अगर आपका book 2 ओपन नहीं है तो क्या करना होगा, फिर आप वर्कबुक का एक कोड ना डालें, एक्टिव का कोड ना डाल के आपको क्या कोड डालना होगा, आपको डालना होगा यहाँ पे वर्कबुक्स डॉट ओपन, और यहाँ पे अपना फाइल का पाथ कि आपका फाइल कहाँ पर है और फाइल का नेम, जैसे कि book2.xlsx.am जो भी है ये डालना पड़ेगा। तब आपको एक्टिवेट वाला कोड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब फाइल ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है। ओके पूजा जी,
इसमें हमारी एक शीट पहले ओपन थी और फिर उसी के साथ हमने दूसरी शीट में गए जी और हाँ, प्लेन एक टेबल एक फाइल तो करेक्ट आपकी ओपन होगी जिस फाइल में माइक्रो होगा आपका। करेक्ट करेक्ट अब माइक्रो जो माइक्रो वाली फाइल है वो क्या करेगा कि आपके बुक टू को ओपन करेगा लोकेशन से, फिर उसके सीट टू पे जाएगा, फिर उसके ए वन पे जाएगा। करेक्ट, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी हाँ जी। अब बात करते हैं किसी सेल पे हम टाइप कैसे करें। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसलिए दोनों एक साथ बता रहे हैं, मुझे ए वन पे ना कुछ लिखना है तो यहां आपने लिखा रेंज ए वन, कई कई तरीके हैं आप ए वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, देन एक्टिव सेल या सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। अच्छा ये चीज़ आप देखते होंगे रिकॉर्डिंग में, चीज़ रिकॉर्डिंग में देखा आप इस तरह कोड होता है, लेकिन अगर आप खुद से कोड कर रहे हैं तो इसको देने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे जाए मैं नीचे लिख देता, आप डायरेक्ट लिख दीजिए रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, समझाने की जरूरत ये है कि अगर आपने इस कोड को रन किया तो क्या होगा कि कर्सर कहीं भी होगा, पहले ए वन पे कर्सर आएगा उसके बाद नेम लिखाएगा और कर्सर हमारा ए वन पे ही रहेगा, बात समझे? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर इस कोड को रन करते तो कर्सर कहीं भी होगा तो बिना इस पे कर्सर रखे वो इसके अंदर नेम टाइप कर देगा, तो कर्सर आपका जहाँ पहले था वहीं होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? बट हमने जो कोड दिया वो नेम प्रिंट कर देगा और कर्सर मूव नहीं। हाँ वो वैल्यू डाल देगा, बिना कर्सर ले गए हुए वैल्यू डाल देगा नीचे वाला कोड, ऊपर वाला पहले कर्सर रखेगा देन उसमें वैल्यू डालेगा। अब ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या है आप लोग टाइप करते हैं कर्सर रख के, तो होता क्या है कि कर्सर रख के जब आप टाइप करते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि अगर 12 टाइप हुआ तो कर्सर मेरा वहीं पर होगा, तो कुछ लोग गलत कोड कर देते हैं, इसलिए ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालने के जानते हैं, देखिए अगर मैं आपने डॉट वैल्यू किया या रेंज मैंने यहाँ पे ए वन इक्वल टू नेम लिख दिया या रेंज ए वन डॉट फॉर्मूला वन टू जो भी लिखना उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू नेम लिख दिया, ये टाइप करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही मर्जी टाइप कर लो। लेकिन फर्क कब पड़ेगा जब एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल पर रखें, जैसे मान लीजिए बी टू पे 50 है और मुझे 50 मान लीजिए एच टू पे रखना है, तो एच टू हमारा रिसीवर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज एच टू, इसलिए एच वन माफ टू नहीं ए वन वन लेके चलते हैं, एच वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज बी बी वन डॉट वैल्यू, समझे? तो एच वन की जो वैल्यू है सॉरी बी वन की जो वैल्यू है वो एच वन के ऊपर टाइप हो जाएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए वी वन जो है वो किसी फॉर्मूले से रिजल्ट दे रहा है फिर भी वो सिर्फ 80 जो है एज ए वैल्यू जैसे पेस्ट एज ए वैल्यू होता है ना वो करेगा यहाँ पे, वो इसके अंदर का वो 20 प्लस 60 नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मूला कर दिया वी वन की वैल्यू, अब ये कि यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ से वैल्यू आ रही है वहाँ अगर फॉर्मूला कर देते हैं तब जाके इसकी जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देगा कि 20 प्लस 60, ठीक है? There are two ways with the formulas or only validation case question. जी हाँ जी। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, मान लीजिए मुझे VVA के थ्रू फॉर्मूला लगाना है तो दो चीज़ें होती है, एक है कि आप VVA के थ्रू इसका सम लगाना चाहते हैं, मतलब मुझे यहाँ पे बी सेवन पे सम करना है तो आप चाहते हो कि इसका टोटल यहाँ पे सम हो जाए टाइप हो जाए, इसका दो मेथड है। पहला है अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रेंज बी सेवन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू
अब यहाँ आपको क्योंकि वीवीएस सम का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चला? क्योंकि तो जैसे सम लिख के ब्रैकेट ओपन किया, एक्सप्रेशन नहीं आया। जो फॉर्मूला सपोर्ट करता है, जैसे हम लेन का फॉर्मूला सपोर्ट करता है, देखिए नीचे एक्सप्रेशन आ गया। तो एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलेज वीवीए को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले सपोर्ट नहीं करते, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, कुछ सब फॉर्मूले सपोर्ट ही नहीं करते। तो अगर मुझे सम लगाना है तो डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, इसके लिए फॉर्मूले को कॉल करना होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, और सम के अंदर में हमें रेंज फॉर्म, ऐसा नहीं कि एक्सेल की तरह आप यहाँ लिख दीजिए B1 से लेके V6, एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इसको चाहिए रेंज के अंदर, रेंज के अंदर। तो इसके लिए मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा रेंज B1 से B6 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा कि इसकी जो टोटल है, इसकी आपका जो इसका टोटल है, टोटल कितना है 333, वो 333 यहाँ टाइप कर देगा, एज नॉर्मल टाइप कर देगा। ऐसा नहीं है कि सम का फॉर्मूला लगा देगा, जी नहीं, वो इसको सम करेगा, मैं कैलकुलेट करेगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इसके अंदर डाल देगा, मतलब कि 333, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप चेंज करेंगे तो फिर अगेन इस कोड को रन करना पड़ेगा, इसको इसको अपडेट करने के लिए। तो बहुत सारे बोलते नहीं सर, मैं सम का फॉर्मूला ही लगाना चाहता हूँ। तो सम के फॉर्मूले के लिए फिर आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है रेंज B7 डॉट वैल्यू फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला आप वहाँ लगाएंगे वो फॉर्मूला ये बिल्कुल एक्सेल फॉर्मेट में लिख दीजिए, B1 से लेके B6। अब आपका क्या होगा कि सेम जो ये लिखा हुआ है वो यहाँ पे आएगा और जैसे कि यहाँ सिंपल ये टाइप कर देगा। अब इक्वल डालने के वजह से आपका जो एक्सेल है इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बना देगा, समझ गया? तो इस केस पे हमें ऊपर वाली कोड नहीं देना। हाँ, मतलब कि देखिए ऊपर वाला कोड कब देंगे, जब आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट अपडेट करना है, और नीचे वाला देना है जब आपको फॉर्मूला अपडेट करना है, जैसे नॉर्मली हम एक्सेल पे जो फॉर्मूला लगाते हैं वो अपडेट करना है। ओके, पर जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि ये VBA का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन से इस फॉर्मूले को कॉल करते हैं। हाँ, ये कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट देगा, ए फॉर्मूला डाल देगा। ओके, बट फॉर्मूला डायरेक्ट डाल सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन। हाँ, ये तो एक्सेल का फॉर्मूला हुआ, इस देखिए वीवीए से कोई मतलब इसको नहीं है कि ये फॉर्मूला है क्या है। वीवीए इसको टेक्स्ट समझ रहा है और एज ए टेक्स्ट की तरह यहाँ एंट्री कर रहा है, बट हमने यहाँ इक्वल साइन लगा दिया ना, इसे जैसे एक्सेल में इक्वल डलेगा, एक्सेल ये एक्सेल का फीचर है, वीवीए का पार्ट फीचर नहीं है, एक्सेल का फीचर है कि वो सम को इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देगा। समझ गया ना? जैसे इस तरह से देखिए ना, ये पूरा लेगा और इस तरह से फॉर्मूला दे देगा। हाँ, इस तरह से लेगा और इस तरह से इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट करेगा, जैसे पेस्ट करेगा ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको फॉर्मूला बना देगा, ठीक है? ठीक। अब यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम समझाना जरूरी है सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे देना है कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। यहाँ पे इफ इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग, समझे? अब ये सेम जो हमें वीवी के थ्रू टाइप करवाना है, जैसे कि हमने सम करवाया है, मुझे रिजल्ट नहीं देना है यहाँ पे, मतलब मुझे इस मेथड को ही लेके चलना है, मुझे इस मेथड को लेके चलना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे रेंज C1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कमा में डाल दीजिए। क्या लग रहा है, काम करेगा?
क्या दिक्कत होगी इसमें? मैं भी एंटर नहीं मार रहा हूँ, आप बताइए मुझे इसमें दिक्कत क्या होगी? पूजा जी बट अगर ये ऊपर वाला फॉर्मूला कॉल करेगा तो ये इसको भी एज अ टेक्स्ट वहां पे कॉपी कर देगा। वो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम बीबीए का है, एक्सेल का नहीं है। यहाँ देखिए हमने क्या लगाया, इन्वर्टेड कोमा लगाया है, लगाया है ना, और यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा है, तो वीवीओ समझेगा कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये कहाँ से आ गया, अब देखिए दिखाया ना आपको एरर। तो अब यहाँ पे चीज समझिए कि आपको बाहर जो है ये वीवीओ को बताना है कि भाई ये जो इन्वर्टेड कोमा है बाहर प्रिंट होना है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में डालना होगा। जो इन्वर्टेड कॉमा के तौर पे आपको बाहर पेस्ट करवाना है, इसमें वैल्यू में पेस्ट करवाना है, उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखना होगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे दिन में एक दो कॉल आ ही जाते हैं, समझे, तब जाके ये जो पेस्ट करेगा जहाँ जहाँ डबल इन्वर्टेड यहाँ पे होगा वो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको कॉपी करवा के नीचे की तरफ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो कॉपी करने का कोड क्या होता है, यहाँ पे C1.copy, कॉपी कर लिया, और पेस्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन करना होगा C2 से लेके C7। तो सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सिलेक्शन करने के लिए लिखेंगे हम रेंज C2 से लेके C7, जैसे नॉर्मल एक्सेल में करते हैं हम लोग, डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेस्ट जो होता है वो आपका सीट का पार्ट होता है, तो यहाँ पे आप हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, समझे? हाँ, लेकिन अगर आपको पेस्ट स्पेशल करानी है तो फिर आपको डायरेक्ट रेंज पे ही करा सकते हो, क्योंकि पेस्ट स्पेशल रेंज का पार्ट है, कि पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट में अगर आपने ऑल सेलेक्ट कर लिया तो कॉपी पेस्ट की तरह ही होता है। जैसे कॉपी किया इसको आपने, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसमें आपने ऑल पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते वही होगा, तब आपको ये एक्टिव सीट डॉट पेस्ट वाला कोड देने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं देना है। हाँ, पेस्ट से जो वैल्यू करवाना है, पेस्ट से कुछ और करवाना है, जिसे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है वो आपका पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ दिख जाएगा, पेस्ट ऑल, पेस्ट एक्सपेक्ट बॉर्डर, जो भी क्लिक करना है वो क्लिक कर लीजिए, जैसे पेस्ट वैल्यू करना है। उसके बाद इसको हमें क्या है, ऑपरेशंस क्या करना है, ऐड करना है या नन करना है, होता है ऐड वर्ड करना होता है, तो जो पेस्ट स्पेशल में जितने भी कमांड होते हैं ना सब यहाँ कॉमा कॉमा, एक सेक्शन हमारा ए हुआ आपका, एक सेक्शन आपका ए हुआ, फिर ए हुआ, फिर ये हुआ, हालांकि इसको आगे पढ़ेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है, और डायरेक्ट डाल दीजिए पेस्ट एज ए कर देगा, फिर आपको कॉपी पेस्ट करा देगा। अब यहाँ पे बात आई कि हमने C2 से C7 लिया, मतलब क्या है सिलेक्शन का क्या है। अब चलिए हम सिलेक्शन मेथड को पढ़ते हैं, क्योंकि इसके आगे का कोड बगैर सिलेक्शन मेथड का नहीं होगा। तो आपने अभी आगे क्या कर लिया, रैंड बिटवीन 10 से 19, मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के लिए क्या कोड होगा, चलिए हम बात करते हैं, आगे का टॉपिक हमारा यही है।